परीक्षाओं की स्थिति जानने के लिए न्यूज प्लस की संवाददाता निशा ठाकुर ने कुल्लू साइंस स्कूल का दौरा किया और स्कूल के प्रधानाचार्य शमशेर सिंह से खास मुलाकात की। तो उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान अध्यापकों ने ऑनलाइन क्लासेस पर बहुत मेहनत की और बच्चों ने भी अपना पूरा योगदान दिया, लेकिन बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए उनका स्कूल में आना आवश्यक है, तभी वह अपनी पढ़ाई और अन्य गतिविधियों में आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही उनका कहना है कि ऑफलाइन क्लासेस से अच्छा माध्यम कोई नहीं है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं स्कूल के प्रधानाचार्य। नमस्कार, मैं हूं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस टीवी चैनल। हम लोग पिछले कल ऑयलेस और भारत भारती स्कूल गए थे। कोविड के कारण जो है स्कूलों की कैसी स्थिति रही है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए स्कूल प्रशासन से। तो इसके बाद हम आ पहुंचे हैं कुल्लू साइंस स्कूल में। आइए यहां मिलते हैं प्रिंसिपल मिस्टर शमशेर चंद जी से कि जो और सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। चलिए रुकिए, आइए जानते हैं मिस्टर शमशेर चंद जी से जो है कुल्लू साइंस स्कूल के प्रिंसिपल कि वो उनका इस बारे में क्या कहना है। तो सर, जैसे जब स्कूल बंद हुए थे तो आपके स्कूल में किस तरह से ऑनलाइन शिक्षा को लागू किया गया था और किस तरह से वो चला सर? सबसे पहले तो नमस्कार, आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए। ऑनलाइन क्लासेस जब लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लासेस तो बहुत अच्छे तरीके से हमने चलाया, लेकिन ऑफलाइन जो क्लासेस है उसका कोई जवाब नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लास की जगह नहीं ले सकती है। ऑनलाइन से हमारे टीचर्स ने बहुत मेहनत किया, हमने बहुत मेहनत किया, बच्चों ने भी अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की, लेकिन जो ऑफलाइन क्लासेस लगाते हैं तो उसमें जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है किसी स्टूडेंट्स का वो नहीं हो पाता है। तो ऑफलाइन क्लासेस बहुत मतलब इसका कोई जवाब नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस ठीक हुआ लेकिन उस तरह से नहीं हो पाए जैसे हम ऑफलाइन में कर सकते हैं। जी सर, तो जैसे स्कूल बंद कर दिए गए थे सरकार के द्वारा ताकि कोविड का नियंत्रण हो सके, तो आपको क्या लगता है कि सरकार कोविड का नियंत्रण करने में सफल हो पाई है इस वजह से या नहीं? कुछ मायनों में तो बिल्कुल नियंत्रण में आया, क्योंकि बच्चे अगर स्कूल में लॉकडाउन नहीं लगाते तो बच्चों ने स्कूल आना था और ज़्यादा फैल सकता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से काफ़ी कुछ नियंत्रण रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा लॉकडाउन रहा है, इस करके बच्चों को नुकसान तो हुआ है। लेकिन जहाँ तक कोविड की बात है, ये कोविड फैलने में इससे थोड़ा सफलता मिली सरकार को भी और हम सबके लिए वो रहा कि भाई बहुत ज़्यादा नहीं हुए, इन्फेक्ट नहीं हुए बच्चे भी और टीचर्स भी। तो ये जो क्या कहते हैं ये लॉकडाउन रहा, ये आंशिक रूप से सफल रहा। जी, तो जैसा सर ने बताया कि लॉकडाउन में जो सरकार है कोविड को काफी हद तक नियंत्रित करने में सफल रही है, और सर का ये भी कहना है कि उनके स्कूल में जो है वो ऑनलाइन क्लासेस जो है वो काफी सुचारू रूप से चल रही थी, लेकिन एक विद्यार्थी के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो है उनका स्कूल आना काफी जरूरी है, और जब स्कूल खुल चुके हैं तो उनको काफी राहत है।